अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चना चटपटी। इसके लिए हमें लगेंगे 1/2 किलो चने, जिसे हमने ओवरनाइट सोक करके रखे थे और फिर इसे अच्छी तरह से वॉश करके 4 से 5 सीटी तक इसे कुकर में पकाए हैं हमने। ये देखिए इस तरह के होने चाहिए। और इसके लिए हमें लगेंगे एक ग्रीन चटनी, जिसके लिए हमें लगेगा 4 मिर्ची, हरी मिर्ची, कोथमीर, थोड़े से लहसुन। और इसके लिए हमें लगेगा चॉप टमाटो, चॉप अनियन, चॉप बॉइल पोटैटो, थोड़ा कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट, चाट मसाला और ये है काला नमक। काला नमक ऑप्शनल है। आइए अब हम बनाते हैं चटनी। इसके लिए हम लेंगे लहसुन, कोथमीर, हरी मिर्ची, आपको जितना स्पाइसी पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप मिर्च ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए ज़्यादा पानी ना ऐड करें इसमें, जितना ड्राई ये पीसा जाता है उतना अच्छा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी बनके तैयार है। अब हम चने बना के देखेंगे। ये देखिए अब हम चटपटे चने बनाने को स्टार्ट करते हैं। ये बॉयल चने हैं, इसमें हम डालेंगे चॉप अनियन, टमाटो अनियन जो चॉप किए थे वो, बॉइल पोटैटो, कोरिएंडर लीव, जो ग्रीन चटनी हमने बनाया था वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच के आसपास डाला है, फिर और अगर स्पाइसी लगा तो मैं ऐड कर लूँगी। इसमें डालेंगे चाट मसाला 1/2 चम्मच, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, चार काला नमक 1 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नींबू का जूस डालेंगे, इसके सीड्स निकाल लेंगे। एक अखा नींबू जाएगा इसमें। ये देखिए इस तरह से, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। और फिर इसे टेस्ट करने के बाद अगर आपको सॉल्ट ऐड करना रहा या ग्रीन चटनी और लगे तो आप ऐड कर सकते हो। ये तैयार है हमारी चाट चटपटे चने।